Hi guys, welcome back to my channel. You're watching Khushi Chawla on Khushi Chawla Vlogs. तो सबको बताइए कि मेरी फ्रेंड आ गई यहाँ पे एंड इट वॉज सच अ बिग सरप्राइज फॉर एवरी वन हुज़ क्लोज टू मी, बिकॉज सबको लग रहा था कि वो कहीं और जा रही है. सबको बेसिकली लग रहा था दैट शी इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, बट शी वॉज कमिंग हेयर. तो वो बहुत क्रेजी रहा, सबको वीडियो कॉल्स करी एंड आई गेस अभी तक आपने वो वाली वीडियो देखी ली होगी. अब एक और बड़ा सरप्राइज है एंड दैट्स टू बिग फॉर मी, लाइक बहुत ही बड़ा सरप्राइज, एंड दैट इज दैट आई एम गोइंग टू इंडिया. मतलब सब सोचोगे कि इतनी जल्दी भाई, अभी आई थी अभी इंडिया. तो देर आर टू रीजन्स, टू बिग मेजर रीजन के रीजन्स फॉर दैट. एंड पहला तो ये है दैट उसके बाद छुट्टियाँ नहीं आएंगी, मेरी अभी ब्रेक आ रही है एंड देन उसके बाद आई गेट नो ब्रेक. तो फिर मेरे को है कि मेरे को अपनी क्लासेस कभी भी मिस नहीं करनी इन फ्यूचर एज वेल, सो आई जस्ट गो इन दिस ब्रेक. तो इसी वजह से आई एम गोइंग. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि मेरे को हो ही गया भाई, 8-9 महीने हो गए एंड दैट इज़ इट. अब जाना है, लाइक हर साल में एक बार ही तो विज़िट करना ही करना है, तो ये तो है ही. तो इसलिए भी आई एम गोइंग टू इंडिया. एंड आज है ट्यूसडे एंड मेरी फ्लाइट है संडे की, तो तैयारियां तो शुरू हो गई है, चल ही रही है मतलब. बट आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट, और बहुत क्रेजी हो जाने वाला है बिकॉज मेरे घर वालों को इतना तो पता है कि कभी आएगी, बट दे डू नॉट नो द डेट एट ऑल. एंड मेरा बर्थडे भी है ऊपर से 1 मई को, तो इसीलिए मैं उससे पहले जा रही हूँ कि मुझे बर्थडे पर गिफ्ट विफ्ट मिले, क्रेजी इसलिए अभी. एंड बाकी तो जाना तो था ही, और अभी तो वैसे मैं काम पे जा रही हूँ, बट उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँगी क्या सीन रहेगा एंड व्हाट्स व्हाट, मैं ये बता दूँ. एंड मेजर यही है कि वी विल बी गोइंग एंड इट्स सर्टन, इट्स फॉर श्योर कि मैं जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग ऑन 27th संडे को. आज ट्यूसडे है, बस कुछ दिन रहेगा. आई एम सो एक्साइटेड, मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी जो चल रहा है. ओके बाय. तो आज लास्ट डे है मेरा कहाँ पर, रिजाइना के अंदर, मतलब कि वापस आऊँगी मैं ऐसा कुछ नहीं है, बट आई एम गोइंग टू इंडिया टुमारो. एंड अभी हम आए हैं सास का आईडी बनाने. ऑल्सो इसको लग रहा था कि शी इज गोइंग ऑन संडे, बट टर्न्स आउट शी इज गोइंग टू भाई, मतलब लास्ट डे तक वी वर लाइक कि आई एम गोइंग ऑन संडे, तो ईजी रहेगा, आई एम गोइंग ऑन अ संडे, ठीक है. एंड लाइक कल मुझे आके जो मेरा फ्रेंड है वो बोलता है ब्रो 27 तो टुमारो है, तो तू संडे को कैसे जा रही है. आई वाज लाइक ब्रो मैं तो मतलब 27 को तो जा रही हूँ, बट संडे का आई एम नॉट श्योर. फिर वी चेक्ड एंड आई वाज गोइंग ऑन सैटरडे, लाइक आई एम सपोज टू गो ऑन सैटरडे. तो देखते हैं, पर अभी हम इसकी सास का आईडी बनाने आए हैं. यस, और फिर उसके बाद वी आर गोना गो एंड शॉप, क्योंकि मुझे बस लास्ट मिनट थोड़ी बहुत सप्लाइज लेनी है, दैट्स इट. एंड लेट्स सी, तो सास का आईडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, यू कैन जस्ट लेट देम नो. ओके, सो यू नीड अ वॉइड चेक, फॉर दैट यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट हियर. या ऑल्सो यू नीड एड्रेस प्रूफ, टू एड्रेस प्रूफ्स. एंड व्हाट एल्स? सो एड्रेस प्रूफ्स का एग्जांपल्स दे दे. Example like you could get your name on the lease or the void check works as well for the void. The void check works as well. So lease bhi chalte hain, lease ke paper and void check chalta hai for getting a SASK ID made. But main ek cheez pooch dungi ki agar aapka lease pe naam na ho to lease ke jagah kya chalta hai. So that like I'll ask for you guys, kyunki kai bari har kisi ka lease pe naam hota nahi hai, to you'll need you know something else as an address proof. तो वो मैं आपको पूछ के बताती हूँ. ओके, तू आइस का कलर क्या बताया है? पर ब्राउन, अगर तेरी ब्राउन निकली, नो अगर तेरी ब्राउन निकली दे कैन लेजिट पुट अ केस ऑन यू कि तूने हमें. ओके देन यू बताइए, आई विल अपॉइंट यू एज माय लॉयर बिकॉज़ यू आर द मोस्ट मैनिपुलेटिव पर्सन आउट देयर, सो वी विल प्रोबब्ली विन. या गुड चांसेस. अरे भाई, अच्छा तो इसकी सास का आईडी का काम हो गया फाइनली. यार तू भी गाली क्यों देती है यार, बिकॉज़ मैं तो कुछ दिनों से कह रही हूं तो करवा नहीं रही मेरा काम.
या जस्ट अ सेकंड. सो सास का आईडी में उन्होंने ये बताया कि अगर आपका नेम अंडर योर लीज नहीं है, मतलब योर नेम इज नॉट अंडर द लीज, देन आप क्या कर सके, यू कैन जस्ट आस्क योर टेनेंट टू गिव द लेटर और द रूममेट्स टू गिव द लेटर कि ये हमारे साथ रहती है, दिस दिस दिस, एंड बस एक वेरीफाई करना है कि या शी लिव्स विद अस, ऐसे करके लेकर देना है एंड अ वॉइड चेक. दैट वुड वर्क एज एन एड्रेस प्रूफ एंड दो आपके और क्या चाहिए थे, दो एड्रेस प्रूफ एंड दो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. सो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपका स्टडी परमिट, आपका पासपोर्ट वगैरह हो गया. सो या दैट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स. या बाई. तो अब हमारा एक टैक्स फाइलिंग का काम रह गया और सामान नीचे गिरा पड़ा है. आई डोंट नो व्हाई टैक्स फाइलिंग का काम रह गया हमारा. मेरे को इतने दिन से कर देना चाहिए था टैक्स फाइलिंग. मैं गोल गोल घूमती पर मैं गंदी बच्ची. वाओ दैट्स क्यूट. तो टैक्स फाइलिंग का काम मैं कब से टाले जा रही हूँ एंड आज हो नहीं पाया, तो अब देखते हैं बिकॉज मेरा आज क्लास है तो मुझे टैक्स फाइलिंग तो करनी ही है. तो गाइस लाइक मेरे साथ अभी बहुत ही कुछ ट्रैजिक हो गया एंड ये है कि मतलब मैं सुबह उठी एंड आई हैड द फ्लाइट टुडे, पर मैं देखती हूँ कि मेरी फ़्लाइट है डिलेड एंड रीशेड्यूल हो गई. तो मेरी जो एयर कैनेडा से फ़्लाइट बुक हुई थी, मतलब अब यहाँ से रेजाइना टू टोरंटो मेरे को जाना था एंड वो डिलेड थी 8 बजे तक. तो इन्होंने मेरे को रीशेड्यूल कर दिया एंड इन्होंने कहा दैट आई विल बी टेकिंग द फ्लाइट 22 घंटे बाद फ्रॉम टोरंटो टू दिल्ली लाइक डायरेक्टली. बीच में इन्होंने मुझे मतलब 3 बार इन्होंने मेरी फ़्लाइट चेंज करी. दैट पहले इन्होंने मुझे कर दिया कि अब मेरा जो फ्रैंकफर्ट में ले ओवर था उसकी जगह मैं लंदन जाऊँगी. मैं कहा ठीक है, दैट साउंड्स गुड, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है मैं फ्रैंकफर्ट जाऊँ ले ओवर में या लंदन जाऊँ. तो मैं थोड़ी देर बाद मैं सो गई कि मतलब चलो 1 घंटे बाद उठूँगी एंड देन तैयार होंगी. मैं उसके 1 घंटे बाद उठती हूँ तो मेरी फ़्लाइट फिर रीशेड्यूल हो चुकी है कि मेरी अब फ्लाइट हो चुकी है यहाँ से टोरंटो, रेजाइना टू टोरंटो एंड टोरंटो टू दिल्ली डायरेक्टली. बट देयर्स अ क्लॉज हियर और वो क्लॉज था कि मतलब 22 घंटे का लेओवर इन टोरंटो. आई वाज लाइक व्हाट द फक, मैं सॉरी पर मैं टोरंटो 22 घंटे का करूँगी भाई. तो आई जस्ट कॉल्ड एयर कैनेडा एंड आई सेड कि मैं 22 घंटे आई हैव टू यू नो ओवरनाइट है वैसे भी ओवर, तो आई हैव टू बुक समथिंग फॉर मी एंड दैट विल बी टू एक्सपेंसिव फॉर मी. तो मेरे को नहीं ऐसा कुछ करना एंड यू जस्ट रीशेड्यूल मी इस तरीके से दैट आई रीच देयर ऑन टाइम, बट मैं इतना ले ओवर ना मिले मेरे को. सो दे जस्ट चेंज माई फ्लाइट नाउ फाइनली एंड यहाँ से मेरी 5 बजे की है कल की, मतलब कल रात को, एंड 5 बजे वहाँ से जाऊँगी. एंड देन फिर मेरे को इन्होंने इतना अजीब सा दे दिया है, पता है मैं सीन बताती हूँ, दैट दे हैव गिवन मी लाइक वैनकूवर टू यहाँ से लाइक रेजाइना टू वैनकूवर टू टोरंटो एंड देन टोरंटो टू दिल्ली डायरेक्टली. सो दैट्स व्हाट दे हैव चेंज्ड. एंड अब देखो मेरी कल रात को फ्लाइट है, मतलब आज का दिन मुझे और मिल गया शॉपिंग शॉपिंग करने के लिए. सो दैट इज इट. बट मैं इतना हैरान हूँ दैट इतने लाइक चेंजेस कर रहे हैं ये. मेरी फ्लाइट लुफ्तानजा थी एंड लुफ्तानजा को बहुत अच्छी एयरलाइन माना जाता है, बट व्हाट लुफ्तानजा हैज़ डन यहाँ पर, मतलब इट्स प्रिटी सैड कि क्या मैस अप कर दिया सारा शेड्यूल, राइट. तो गाइस हम एयरपोर्ट आ गए हैं एंड फाइनली मेरा ट्रिप चालू हो गया है, मतलब मेरी इतनी डिले ये वो सर कपाई एंड ऑल. उसके बाद फाइनली मैं आ गई हूँ रेजाइना एयरपोर्ट जो कि सुनसान है एज अ बंजर ज़मीन, पर अब मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है. फाइनली धार्मिक से मिलूंगी, सब्जी पाऊंगी, मोमोज खाऊंगी, सारी फैमिली से मिलूंगी एंड आई एम सो ग्लैड लाइक कि फाइनली ये ट्रिप हो पा रहा है. तो मतलब वो बस जाने वाली है. अभी तो मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ, सो इट्स जस्ट 2:25. ऑल दो मुझे 3 बजे तक रीच करना था, मैं 2:25 ही आ गई, आधा घंटा पहले. 5 बजे की मेरी फ्लाइट है. बाकी मैं आपको धीरे धीरे दिखाती रहूँगी मेरी पूरी जर्नी एंड देन मिलते हैं इंडिया. हाय गाइस, तो मेरा सिक्योरिटी चेक इन एंड बोर्डिंग पास वगैरह सारे कलेक्ट हो गए एंड आई एम गोना टेक माय फ्लाइट टू वैनकूवर, देन वैनकूवर टू टोरंटो एंड टोरंटो से सीधा दिल्ली. तो अब एक्साइटमेंट भी हो रही है बट मिक्स्ड इमोशंस है. मैंने अपना सिक्योरिटी चेक इन वगैरह डन कराया है तो एक्साइटमेंट भी हो रही है, नर्वसनेस भी हो रही है. और अब मैं अपने गेट नंबर पहुँच चुकी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ. सो ये रहा मेरा बैग.
ये रहा मेरा दूसरा बैग एंड देन यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब शुरू होएगा, इतना टाइम लगा रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या है यार, जल्दी शुरू करो, अब मेरे को जल्दी घर जाना है। बाय बाय।